तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS Academy पर। और आज की इस वीडियो में हम नीट IIT JEE से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम विद्युत धारा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए कि 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन एक माइक्रोसेकंड में बिंदु P से Q तक गुजरते हैं, तो इसकी धारा और दिशा क्या होगी? एक बार इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए। इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें दे रखी है और समय हमें दे रखा है 1 माइक्रोसेकेंड, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो पी से क्यू की ओर जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनों के मूव करने की जो डायरेक्शन है वो पी से क्यू की ओर है, तो जो धारा की डायरेक्शन है वो क्यू से पी की ओर होगी। तो इसमें क्यू से पी की ओर ये दो ऑप्शन में दे रखी है, एक तो सी में और एक डी में। अब हम यहाँ से हैं धारा की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। I बराबर होता है क्यू बट्टे में टी, क्यू बट्टे में टी। तो यहाँ से Q के स्थान पर N इंटू E पुट कर सकते हैं हम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें 10 मिलियन दे रखे हैं, 10 मिलियन मिलियन का 10 की घात 6 हो गया, N 1.6 इंटू, ये N की वैल्यू है और ये है E की वैल्यू, 1.6 × 10⁻¹⁹। टी का जो मान है वो है माइक्रोसेकंड, 1 माइक्रोसेकंड का मतलब हो गया 10⁻¹⁶। तो यहाँ से ये हमारे पास में 1.6 × 10⁻¹⁹ रह जाएगा। देखिए प्लस का हो जाएगा 13, माइनस का 6 रह जाएगा, तो ये हमारे पास में धारा आ जाएगी और इसकी डायरेक्शन क्यू से पी की ओर होगी, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 1 एम्पियर धारा तुल्य होती है, तो 1 एम्पियर जो धारा है वो किसके तुल्य होगी, ये हमें पूछा है। देखिए I बराबर होता है Q बट्टे में T, यहाँ से Q के स्थान पर हम N E पुट कर सकते हैं, तो ये जो N है ये आ जाएगा I इंटू T अपॉन में E। आई की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में हमें 1 बता रखी है, आई की जो वैल्यू है क्वेश्चन में हमें 1 बता रखी है। प्रति सेकंड वैल्यू ज्ञात करने के लिए टी का मान भी हम 1 ले लेंगे। यहाँ पर ये जो ई है इसकी वैल्यू हम जानते हैं 1.6 × 10⁻¹⁹, तो एन यहाँ से आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 10⁻¹⁹1.6, तो यहाँ से जब आप पॉइंट हटाओगे तो 1 0 ऊपर लग जाएगा, 1 0 में 10⁻¹⁹ से ले लेता हूँ तो 10⁻¹⁸ यहाँ पर रह जाएगी। 16 का जब आप भाग लगाएंगे तो 6.25 रह जाएगा, ये हमारे पास में आएगा। ठीक है, तो 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी तार में धारा समीकरण I=2T²−3T+1 द्वारा व्यक्त की गई है, समय अंतराल T=3 सेकेंड से T=5 सेकेंड में तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद में आवेश होगा। देखिए हमें जो करंट की जो वैल्यू दे रखी है वो T की टर्म्स में दे रखी है, हम क्या जानते हैं I बराबर होता है dQ/dt, और यहाँ से dQ=I×dt, और यहाँ से हम Q=∫I dt पुट कर सकते हैं। तो Q=, हमारे पास में क्या आ जाएगा, लिमिट हमारे पास में 3 से 5, I की जो वैल्यू है वो है 2T²−3T+1 dt, इंटीग्रेशन कर दीजिए तो 2T³/3 − 3T
स्क्वायर अपॉन टू प्लस टी, और लिमिट है 3 से 5 तक। पहले अपर लिमिट पुट कर दीजिए, 2/3 5 का क्यूब माइनस 3/2 5 का स्क्वायर प्लस 5, फिर ये सब माइनस में आ जाएगा, 2/3 3 का क्यूब माइनस 3/2 3 का स्क्वायर प्लस 3। और अब यहाँ से इसकी कैलकुलेशन देखिए, तो क्यू बराबर, देखो यहाँ से 2/3 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, 2/3 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 रह जाएगा, फिर माइनस में 3/2 और 25 में से फिर से 9 घटाएंगे। देखिए यहाँ थोड़ा हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी है कि यहाँ 5 का क्यूब 125 हो जाएगा और 3 का क्यूब है वो 27 हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 98 और माइनस में 3/2 यहाँ आएगा 16 और यहाँ आएगा 2। और जब यहाँ से आप इन सब की कैलकुलेशन करते हैं तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा बी, 43.34 कुलाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी तार में धारा समीकरण I=4+2t के अनुसार समय के साथ परिवर्तित होती है, जहां I एम्पियर में है और t सेकंड में है। आवेश की वह राशि जो समय t=2 सेकंड से 6 सेकंड के दौरान तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरती है होगी। जैसे हमने अभी जस्ट पहले ही क्वेश्चन किया है, सेम उसी टाइप का ही क्वेश्चन है यहाँ I dt। तो 2 से लेकर 6 सेकंड तक आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, 4+2t। चलिए इंटीग्रेशन देखेंगे, तो 4t+2t² / 2 और लिमिट है 2 से लेकर 6 तक। तो देखिए लिमिट पुट करेंगे तो 4 × 6 प्लस, देखो इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, t², तो 6 का स्क्वायर, माइनस का साइन लगाकर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ से 24+36 -8+4, तो ये तो आ गया 60 - 12, 48 गुलाम आ जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन 9.4 × 10 की घात, देखिए यहाँ पर 10 की घात 18 है, 10 की घात कितनी है 18, परिक्रमण प्रति सेकंड बनाने वाली त्रिज्या 0.72 एंगस्ट्रॉम के पथ के अनुदिश नाभिक के चारों ओर घूमता है, तुल्य धारा क्या होगी, E की वैल्यू भी हमें दे रखी है। एक बार इस क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिए कि हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन है ये जैसे नाभिक है, ठीक है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है। ये जो नाभिक है इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की जो आवृत्ति है वो 9.4 × 10^18 हमें दे रखी है, 10^18 हमें दे रखी है। अब यहां पर इसके अलावा हमें इस पथ की जो रेडियस है वो भी दे रखी है, 0.72 एंगस्ट्रॉम। हमें धारा पूछी है तो देखो I = होता है Q/T, Q/T, और यहां पर Q का मान है इलेक्ट्रॉन का आवेश, और हम एक परिक्रमण काल के लिए एक चक्कर के लिए कैपिटल T यहां पर पुट कर सकते हैं। तो यहां से E की जो वैल्यू है वो तो है 1.6 × 10^-19। और देखिए विद्यार्थियों इस E/T को हम
एक बट्टा जो टी होता है उसको हम न्यू के इक्वल पुट कर सकते, तो ई न्यू हो जाएगा। तो यहाँ से अब न्यू की वैल्यू में पुट कर दूँ तो न्यू का मान हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, नाइन पॉइंट फोर इंटू टेन द पावर 18। वैसे जो रेडियस दे रखी है इसका यहाँ पर कोई यूज नहीं हो रहा है, यहाँ काम में नहीं आ रही है। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 1.6 इंटू 9.4 इंटू टेन द पावर माइनस एक रह जाएगा, और यहाँ से आप कैलकुलेशन 16 को 4 से गुणा करेंगे 64, 6 हासिल करें, 16 को 9 से गुणा करेंगे 144, 144 और 6 रह जाएगा 150, और दो डिजिट पहले पॉइंट पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में 1.504 एम्पियर आ जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कोई आवेश संधि बिंदु में गति कर रहा है तो संवेग संरक्षित रहेगा। देखिए संवेग सभी स्थितियों में संरक्षित रहता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह की दिशा होती है, कोई भी सर्किट है उसमें धारा प्रवाह की जो डायरेक्शन है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। ऑप्शन भी यहां पर सही हो जाएगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर डायरेक्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि 4 ओम प्रतिरोध के एक तार को 7 सेमी त्रिज्या की एक कुंडली को बांधने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो तार का व्यास 1.4 mm है, इसके सामर्थ्य का विशिष्ट प्रतिरोध 2×10⁻⁷ -7 ओम इंटू मीटर है, तो कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगी। देखिए क्या है क्वेश्चन, एक बार इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि हमारे पास में एक वृत्ताकार कुंडली है, कॉइल है, इस तरीके से एक वृत्ताकार कॉइल है, और इस वृत्ताकार कॉइल की जो रेडियस है वो हमें, कॉइल की जो रेडियस है वो हम लेकर चल रहे हैं कैपिटल आर, और जो वायर है, जो हम वायर हम लेकर चल रहे हैं ऐसे इस तरीके से कोई वायर है, और इस वायर के अंदर ये वाली जो रेडियस है इसकी, ये वायर इसकी रेडियस है स्मॉल आर, ठीक है। हमें इसमें फेरों की संख्या स्मॉल एन लेकर चल रहे हैं कि भाई इसमें कितने फेरे हैं, स्मॉल एन फेरे इसमें तार के लिपटे हुए हैं। अब देखिए कैपिटल आर बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन में ए, यहां पर L, L यहाँ पर एक फेरे की लंबाई होती है 2πr, और n फेरे हमने कंसीडर कर लिए तो 2πr इंटू n, एक ही जगह हम क्या लिख देंगे πr2। देखो A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लिए स्मॉल r वाली रेडियस आपको लेकर चलनी है, और वृत्ताकार पथ की जो रेडियस है वो कैपिटल R लेकर चलनी है। यहाँ पर हमें n की वैल्यू पूछी है, तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा कैपिटल आर भी नहीं लिखेंगे इसको, क्योंकि कैपिटल आर तो रेडियस, मतलब ये आर डे से कर देता हूँ, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर स्क्वेयर अपॉन रो इंटू आर डेज इंटू टू, देन यहाँ पर इन सब की वैल्यू पुट कर दीजिए। कैपिटल आर की जो वैल्यू है वो है 4, स्मॉल आर, स्मॉल आर हमें दे रखा है तार का जो व्यास है वो 1.4 mm, तो 1. रेडियस कितनी हो जाएगी 0.7 mm, का मतलब हो गया 10⁻³, और इसका स्क्वेयर अपॉन रो, रो की जो वैल्यू है वो है 2×10⁻⁷ आर डेज, तो ये है 7×10⁻², और इंटू में दो और चल रहा है, तो ये इनटू वाला 2 और ये 2 4 हो गया, इस 4 से कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर इस 0.7 को मैं 7×7 लिख देता हूँ, यहाँ पर 10⁻⁶ हो जाएगी, और बट्टे में क्या चल रहा है 7×10⁻⁹ चल रहा है, ठीक है।
इसकी घात माइनस नौ, तो यहां से एक साथ कैंसिल हो जाएगा, सात गुण दस की घात माइनस तीन की बजाय प्लस तीन हो जाएगा, प्लस तीन। देखो यहां पर एक दस की घात है, देखिए यहां पर जब हमने पॉइंट हटाकर यहां पर इसका स्क्वायर किया तो 10 की घात यहां पर ये माइनस आठ हो जाएगी, तो 10 की घात यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्लस एक रह जाएगी, जिसको हम 70 लिख सकते हैं। तो फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी, 70 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध निर्भर करता है, तो चालक के आकार पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है, ज्यामिति पर निर्भर करता है, तो इन सभी पर ही निर्भर करेगा, ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक बेलनाकार छड़ को इसके आयतन को अपरिवर्तित रखते हुए इसकी मूल लंबाई के आधे में रूपांतरित किया जाता है, तो इसकी लंबाई इस परिवर्तन से पूर्व, यदि इसका प्रतिरोध इस परिवर्तन से पूर्व कैपिटल आर था, तो रूपांतरण के पश्चात छड़ का प्रतिरोध क्या हो जाएगा। देखिए कैपिटल आर बराबर हमें दे रखा है रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, ओके। जो आयतन है वो है ए इंटू एल, परिवर्तन के पश्चात आयतन उतना ही रहता है, लेकिन लंबाई है वो पहले से क्या हो जाती है, आधी, लंबाई आधी हो जाती है एल बाई टू। तो जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, दोनों को कंपेयर कर लीजिए, एडेस बराबर हो जाएगा 2a, एडेस बराबर हो जाएगा 2a। अब नया जो रेजिस्टेंस है, नया प्रतिरोध क्या होगा, रो एलडेस बाई एडेस, रो एलडेस की वैल्यू है l बाई 2, a की वैल्यू है 2a, तो ये आ गया 1/4 रो l बाई a आर बट्टे में चार आ जाएगा, आर बट्टे में चार, ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 ओम प्रतिरोध के एक तार को इसकी मूल लंबाई के दसवें भाग तक खींचा जाता है तथा तार का आयतन नियत रहता है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। देखिए हम ये जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस है आर बराबर रो एल बाई ए है, जो नई लंबाई है एल डेस बराबर एल प्लस एल बट्टा 10, तो ये आ गया 11 एल बट्टे में 10। आयतन पहले था v बराबर a इंटू एल, अब नया जो आयतन है वो इसके बराबर ही है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, तो जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, दोनों को बराबर पुट कर दो, तो a डेस एल डेस बराबर a इंटू एल, एडेस बराबर ए एल बट्टे में एलडेस, तो यहां से एलडेस की जो वैल्यू है वो है 11 एल बट्टे में 10, तो यहां से एल से एल कैंसिल हो गया, एडेस की जो वैल्यू है वो हमें क्या मिली है 10 बट्टे में 11 ए, 10 बट्टे में 11 ए, ओके, ये आप समझ लेंगे यहां से। अब हमें क्या चाहिए, आर डेस नया रेजिस्टेंस, तो रो एल डेस बट्टे में ए डेस, तो एल डेस की वैल्यू है 11 एल बट्टे में 10, ए डेस की वैल्यू है 10 बट्टे में 11 ए, तो यहां से 11 का स्क्वायर बट्टे में 10 का स्क्वायर रो एल बाई ए रह गया, 11 का जो स्क्वायर है वो हो गया 121, 10 का स्क्वायर 100, और रो एल बाई ए जो कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर 15 ओम दे रखा है, ये दे रखा, यहाँ पर हम 15 पुट कर देंगे, तो यहाँ से 1.21 इंटू 15, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 18.15 ओम, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं,
कि त्रिज्यों कैपिटल आर वन व आर टू जैसे आर वन लेस देन आर टू के दो संकेंद्रीय गोलों के मध्य स्थान को प्रतिरोधकता रोक के किसी पदार्थ से भर दिया जाता है तो पदार्थ के अंदर और बाहरी पृष्ठ के मध्य प्रतिरोध क्या होगा। देखिए विद्यार्थियों, हाँ मैं आर बराबर क्या जानते हैं, रो एल बाई ए, और अल्प परिवर्तन के लिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, आर बराबर रो डी एल बाई 4 पाई एल स्क्वेयर। देखो यहां पर आप समझें इसको क्या है, इसका मतलब यहां से हम इसके छोटे से अल्पांश की लंबाई लेकर चल रहे हैं डी एल, इसकी रेडियस हम लेकर चल रहे हैं एल, तो ये हमारे पास में कैपिटल आर का फॉर्मूला आ जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस के लिए ये कोई छोटे से रेजिस्ट तो डी आर होगा, इंटीग्रेशन करेंगे टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो रो बाई 4 L आर वन से लेकर आर टू रेडियस तक हमें इस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस में 1 L हमें मिल जाएगा। ओके अब आप यहां से क्या करेंगे करेंगे लिमिट पुट करेंगे, तो 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 हो जाएगा, और यहां से ये हमारे पास में आ जाएगा कैपिटल आर बराबर R2 माइनस R1 बट्टे में R1 R2 इंटू में रो बट्टे में 4 पाई। तो ये मुझे ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि तीन प्रतिरोधकों 2 ओम 4 ओम और 5 ओम को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, इस संयोजन को 20 वोल्ट विद्युत वाहक बल की बैटरी एवं नगण्य आंतरिक प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, तो बैटरी से ली गई कुल धारा क्या होगी। एक बार इससे सर्किट को आप यहां से समझ लीजिए कि हमारे पास में तीन रेजिस्टेंस हैं, ये हमारे पास में एक रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारे पास में दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारे पास में तीसरा रेजिस्टेंस हो गया है। अब इन तीनों को ही हम कौन से क्रम में जोड़ रहे हैं, समांतर क्रम में, तीनों समांतर क्रम में हो गए, और इसे हमने जोड़ा है एक की बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल है 20 वोल्ट। ओके ये हमारा सर्किट है, ये 2 ओम है। चलिए तो यहां पर हम बैटरी द्वारा दी जाने वाली धारा ज्ञात करना चाह रहे हैं, ये 2, 4 और ये 5 ओम, तुल्य प्रतिरोध हम यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। समांतर क्रम संयोजन के अंदर तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला हम जानते हैं, तो 1/2 + 1/4 + 1/5। यहाँ से एलसीएम हमारे पास में आ गया 20, तो 10 + 5 + 4 19/20, और आर इक्विलेंट ये हमारे पास में आ जाएगा 20/19 ओम, 20/19 ओम। आई बराबर वी बट्टे में आर इक्विलेंट, वी की जो वैल्यू है वो हमें 20 दे रखी है, आर इक्विलेंट 20/19, यहां से 19 एम्पियर आंसर हमें मिल जाएगा, ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि दो विभिन्न तापों T1 और T2 पर किसी चालक के लिए वोल्टता V, देखिए वोल्टता V ये यहाँ पर गलती से बाय मिस्टेक हो गया, और धारा I के मध्य जो ग्राफ है उसको चित्र में हमने दिखाया है, तो T1 और T2 के मध्य क्या रिलेशन होगा। जब हमने थ्योरी पढ़ाई तब हमने आपको ये बताया कि V और I के मध्य खींचे गए ग्राफ में ये जो एंगल है θ1, ये जो एंगल है वो θ2, तो यहाँ पर θ1 बड़ा है θ2 छोटा है, और जो किसी भी V और I के मध्य खींचे गए ग्राफ का जो ढाल होता है वो प्रतिरोध को बताता है,
किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रतिरोध को। तो यहाँ पर R1 ग्रेटर देन R2, इसका रेजिस्टेंस यदि क्या है? R1, इसका रेजिस्टेंस है R2। अब देखिए, जिसका ताप अधिक, इसका ताप अधिक है तो वो रेजिस्टेंस भी अधिक होगा। तो यहाँ से रेजिस्टेंस R1 ज़्यादा है तो T1 बड़ा होगा, T2 छोटा होगा, T1 ग्रेटर देन T2। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विद्युत क्षेत्र 3 × 10⁻³ वोल्ट पर मीटर में अफवा वेग 7.5 × 10⁴ वोल्ट मीटर पर सेकेंड आवेशित कण की मोबिलिटी क्या है, चलायमानता क्या है? क्लियर। चलायमानता का मतलब मोबिलिटी है। देखिए हमारे पास में म्यू बराबर क्या रिलेशन होता है, वी डी अपॉन में ई। वी डी का जो मान है वो हमें 7.5 × 10⁻⁴ दे रखा है, और जो ई है वो हमें 3 × 10⁻¹० दे रखा है। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन करेंगे 2.5 × 10⁶, ये हमें प्राप्त होने वाला है। ठीक है, ये यहाँ पर वी नहीं है, अपवेग मीटर प्रति सेकंड में होगा। तो ये यहाँ पर देखिए मीटर पर सेकंड वोल्ट पर मीटर, तो मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट प्रति सेकंड। तो ये ऑप्शन बी मुझे सही नजर आ रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विद्युत क्षेत्र ई और अपवेग वी डी की निर्भरता निम्न में से किसके लिए ओम के नियम का पालन करती है? देखिए VD है वो E के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, स्तंभ एक को स्तंभ दो से मिलाइए। तो देखिए ओम का नियम लागू होता है धातुओं में होता है, तो एक को पी से मिला दिया। ओम का नियम लागू नहीं होता डायोड विद्युत अपघट्य अर्धचालकों में लागू नहीं होता, तो बी आर से मिल गया। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उच्च होती है, तो ये क्यू से मिल गया, तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा आई वी ग्राफ ओमीय चालकों को प्रदर्शित करता है? जो ओमीय चालक होते हैं उसमें ओम का नियम लागू होता है, ओम के नियम में इनके मध्य खींचा गया जो ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा के रूप में होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चित्र में दर्शाया गया आई वी अभिलाक्षणिक वक्र किसको प्रदर्शित करता है? तो मैं आपको बता दूं विद्यार्थियों, ये किसी पीएन संधि डायोड के लिए अभिलाक्षणिक वक्र है, पीएन संधि डायोड। और ये जो पीएन संधि डायोड है इसमें ओम का नियम लागू नहीं होता, तो ये ओमीय चालक नहीं है, विद्युत रोधी भी नहीं है, अति चालक भी नहीं है, गैर ओमीय चालक है। ये पीएन संधि डायोड के लिए अग्र, ये वाला अग्र अभिलाक्षणिक वक्र, इधर वाला पश्च अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है, ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि समरूप परिमाणों, परिमाण समान है के दो धातु के तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है यदि σ1 और σ2, ये है σ2, क्रम से धातुओं की चालकता है, तो संयोजन की प्रभावी चालकता क्या है? देखिए इनकी समरूप परिमाणों का मतलब है इनकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोनों के सेम है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो तुल्य प्रतिरोध है वो इनके योग के बराबर होता है, प्रतिरोधों का तो यही रिलेशन होता है। अब देखिए प्रतिरोध का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, रो एल बाई ए, रो की जगह हम मैं 1/σ पुट कर सकते हैं, तो एल बट्टे में सिग्मा ए। तो यहाँ पर एल दोनों की जो लंबाई है वो 2L हो जाएगी, बट्टे में सिग्मा इक्विवेलेंट इनटू ए बराबर R1, तो L बट्टे में σ1A प्लस L σ2A,
यहां से एल और ए दोनों तरफ से कट जाएगा, दो बट्टे में सिग्मा इक्विलेंट बराबर आ जाएगा एक बट्टे में सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू। तो यहां से सिग्मा वन सिग्मा टू एलसीएम आ जाएगा, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू। तो यहां से हम सिग्मा इक्विलेंट बराबर क्या लिख सकते हैं, दो सिग्मा वन सिग्मा टू अपॉन सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू, ये हमारे पास में आ जाएगा। तो आप यहां पर ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन डी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से, जो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा किसी अच्छे चालक के लिए वीआई ग्राफ के लिए सही है। देखिए, जो अच्छा चालक होता है वो धातु हो सकता है, धातु में क्या है वो अच्छे चालक के रूप में होती है। और यदि हम वी और आई के बीच में ग्राफ खींचें तो प्रारंभ में ये जो ग्राफ है वो एक दूसरे के समानुपाती होता है, लेकिन जैसे जैसे धारा का मान बढ़ता है तो चालक है वो गर्म हो जाता है, आई स्क्वेयर आर टी के अकॉर्डिंग उसमें हीट क्रिएट होती है और वो गर्म हो जाता है। गर्म होता है तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो वो अपने पथ से ग्राफ है वो विचलित हो जाएगा। ऑप्शन ए हमें सही मिलने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न पदार्थों को उनकी प्रतिरोधकता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, नाइक्रोम कॉपर जर्मेनियम सिलिकॉन। तो देखिए, कॉपर की जो प्रतिरोधकता है वो सबसे कम होती है, कॉपर की जो प्रतिरोधकता है सबसे कम, और ऑप्शन ए में ही हमें दे रखा है। एक ही ऑप्शन से हम इसको सोल्व कर लेंगे, फिर इससे ज्यादा प्रतिरोधकता नाइक्रोम जर्मेनियम सिलिकॉन की सबसे ज्यादा होगी। तार आबद्ध वायर बाउंड जो रेजिस्टेंस है वो किसके बने होते हैं, तो वो मिश्र धातुओं के बने होते हैं जैसे मैग्नीन कॉन्स्टेंटन नाइक्रोम, इनसे मिलकर इनको हम तैयार करते हैं, तो मिश्र धातुओं के बने होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि धातुओं के लिए प्रतिरोधकता का प्रयास क्या, धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, 10^-8 से 10^-6 ओम इंटू मीटर की रेंज में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि एल और टू एल लंबाई के दो तांबर के तारों की त्रिज्याएं क्रमशः स्मॉल आर और टू आर है, तो उनकी विशिष्ट प्रतिरोधों का अनुपात। तो देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध रो होता है, दोनों एक ही मीटर के बने हुए हैं तो इनका जो अनुपात है वो 1:1 होगा, क्योंकि दोनों ही तांबे के बने हुए हैं, तो ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि मिश्र धातु मैग्नीन की प्रतिरोधकता लगभग ताप पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि मिश्र धातुओं की जो प्रतिरोधकता होती है वो बहुत कम चेंज होती है ताप के साथ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि किसी अर्धचालक की ताप पर निर्भरता को व्यक्त करता है, अर्धचालक कि जो प्रतिरोधकता है अर्धचालक की, यहां पर अर्धचालक की यहां पर प्रतिरोधकता आएगा रो आएगा इस जगह पर। ओके, तो ताप के साथ में अर्धचालकों की जो प्रतिरोधकता है वो चर घातांक के रूप से घटती है, रो बराबर रो जीरो एक्सपोनशियल ई जी अपॉन के टी। जो ई जी है ये वर्जित ऊर्जा अंतराल, के है वो वोल्ट्स मान्यतांक, और टी ताप, ताप बढ़ेगा तो जो प्रतिरोधकता है वो चर घातांक के रूप से डिक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि शुष्क मानव शरीर के प्रतिरोधी के परिमाण की कोटि क्या होती है, कि जो शुष्क मानव शरीर होता है उसका रेजिस्टेंस 10 किलो ओम तक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जो अगला क्वेश्चन है वो हमें क्या बता रहा है वो भी देख लीजिए कि एक प्रतिरोधी को भूरी काली हरी और सुनहरी रंगीन वलयों से चिन्हित किया गया है, तो ओम में प्रतिरोध होगा। मैं आपको कार्बन कलर कोड टेबल है वो आपके सामने रख देता हूँ, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइप
गोल्डन सिल्वर, फिर आएगा गोल्डन सिल्वर, ओके। तो ये इसका सार्थक अंक है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये होता है। और ये तो है इनके सार्थक अंक, ठीक है। एक इनके साथ है गुणक, तो ये 10 की घात 0, ये 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, 10 की घात 5, 6, 7, 8 और 10 की घात 9। फिर हम बात करें सह्यता, तो सह्यता जो गोल्डन कलर है इसकी 5% होती है, गोल्डन सिल्वर नेकलेस, तो हमें सुनहरा ही चाहिए। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू आप देखेंगे, पहला जो कलर है वह भूरा, ब्लैक ब्राउन, तो 1 आ जाएगा इसके लिए। फिर काला, काले के लिए 0 आ जाएगा, तो 0 हमने लगा दिया। फिर हरा, तो 10 की घात 5 आ जाएगी, गुणा 10 की घात 5, फिर प्लस माइनस सुनहरा, सुनहरे के लिए 5%। आप यहाँ पर देखेंगे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा 10 की घात 6 प्लस माइनस 5%, ये ओम में है, ओके। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चित्र ए और चित्र बी में दोनों पदार्थों के लिए ताप के साथ प्रतिरोधकता के परिवर्तन को दर्शाया गया है, तो इन पदार्थों को पहचानिए। देखिए यहाँ पर ताप के साथ में जो प्रतिरोधकता है वो इंक्रीज हो रही है, तो ये चालकों के अंदर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो चालकों का जो प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है वो इंक्रीज होती है। और दूसरे डायग्राम में हमें ये बता रखा है कि ये चरघातांकी की रूप से घट रही है, यदि चरघातांकी की रूप से घट रही है तो ये डेफिनेटली अर्धचालक होगा, तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नाइक्रोम या मैग्नीन को तार आबद्ध मानक प्रतिरोधकों में व्यापक रूप से प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि उनकी जो प्रतिरोधकता है वो ताप पर बहुत कम निर्भर करती है, ताप पर निर्भर बहुत कम होती है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर ज्यादा बेटर रहेगा, ओके। देखो निर्भर तो करती है लेकिन बहुत कम, न के बराबर निर्भर करती है, करेगी जरूर, ठीक है। इनके बीच में यदि हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करें तो ऐसा ग्राफ हमें मिलता है मिश्र धातुओं के लिए ताप के साथ में उनकी प्रतिरोधकता मामूली सी चेंज होती है, तो यहाँ पर नाइक्रोम और मैग्नीन मिश्र धातु में ही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ताप में वृद्धि के साथ चालकता, देखिए ताप में वृद्धि के साथ में चालकता धातुओं की तो घटती है, धातुओं की क्या होती है, घटती है, धातुओं की बढ़ती है, तो ये तो गलत हो गया, और धातुओं की और बढ़ती ये भी गलत हो गया, ये ऑप्शन यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो धातुओं की तो चालकता घटती है और अर्धचालकों की बढ़ती है, तो अर्धचालकों की बढ़ती है और धातुओं की घटती, ये ऑप्शन सही नजर आ रहा है, ये भी सही होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी गर्म तत्व का प्रतिरोध कमरे के ताप पर 99 ओम है, यदि प्रतिरोधक 116 ओम हो जाता है तो उस तत्व का ताप क्या होगा, हमें अल्फा की वैल्यू दे रखी है। हमें प्रारंभिक प्रतिरोध 99 ओम, R0 का जो मान है वो हमें कितना दे रखा है, 99 ओम, और अंतिम जो रेजिस्टेंस है वो हमें दे रखा है 116 ओम। कितना ताप बढ़ाया वो आपको ज्ञात करना है, अल्फा हमें दे रखा है, ठीक है। तो देखिए हम एक रिलेशन जानते हैं, R बराबर R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, तो यहाँ से R माइनस R0 बट्टे में अल्फा R0 ये आ जाएगा डेल्टा T के बराबर, तो यहाँ से R 116 माइनस 99
बट्टे में अल्फा 1.7 गुण 10 की घात -4, R0 का मान 99। ये आ गया डेल्टा टी। तो डेल्टा टी बराबर देखिए कितना निकल कर आ रहा है, ये हमारे पास में 17, बट्टे में इसको भी मैं 17 ही कर लेता हूँ, गुण 10 की घात -5 बट्टे में 99। तो यहाँ से 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, 1/99 गुणा 10 की घात +5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये 1000 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, 1000 से थोड़ा सा ज़्यादा। यदि आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन डी आपको मिलने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्लेटिनम प्रतिरोध के थर्मामीटर में, हमारे पास में प्लेटिनम प्रतिरोध है और उसके थर्मामीटर में तार का प्रतिरोध हिम बिंदु पर, 5 ओम है और भाप बिंदु पर 5.25 ओम है। जब थर्मामीटर को किसी अज्ञात गर्म बाथ में डाला जाता है तो इसका प्रतिरोध 5.5 ओम हो जाता है, तो गर्म बाथ का प्रतिरोध क्या होगा? देखिए गर्म बाथ का रेजिस्टेंस हमें पूछा है। चले हम जो पहली दो कंडीशन दे रखी है उसके आधार पर हम अल्फा फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? अल्फा। तो प्रथम स्थिति के अंदर आर जीरो है वो हमें 5 ओम और आर है वो हमें 5.25 ओम दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा बराबर हम क्या पुट कर सकते हैं? आर माइनस आर जीरो बट्टे में आर जीरो डेल्टा टी। तो ये हिम बिंदु और भाप बिंदु के बीच का अंतर है, तो 5.25 माइनस 5 बट्टे में 5 इंटू में 100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 0.25 बट्टे में 5 गुणा में 100। तो अल्फा की जो वैल्यू है 5 × 10 की घात -4 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड हमें प्राप्त हो जाएगी। दूसरी वाली कंडीशन में हमें तापमान पूछा है, ताप में वृद्धि पूछिए, तो हम मैं पहली वाली स्थिति 5 ओम के साथ में इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो ये अगली स्थिति की बात है, ये तो अल्फा हमने निकाल लिया, तो आर माइनस आर जीरो बट्टे में अल्फा आर जीरो। तो आर की जो वैल्यू बाद में जो रेजिस्टेंस है वो 5.5 दे रखा है, माइनस 5 बट्टे में अल्फा की वैल्यू है वो 5 × 10 की घात -4, आर जीरो 5 है, तो 0.5 बट्टे में 5 × 5 और 10 की घात -4 बट्टे से ऊपर जाएगी तो 10 की घात +4। पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो एक जीरो नीचे लग जाएगा, 1.5 तो कैंसिल हो गया, 1/50। तो 1/50 का मतलब क्या हो गया? यहाँ से 100/200 आ जाएगा, तो 200 आ गया हमारे पास में। तो यहाँ पर जो प्रारंभिक ताप है वो जीरो, ताप में वृद्धि 200 डिग्री सेंटीग्रेड की होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कमरे के ताप पर किसी उष्मक हीटर में तार का प्रतिरोध 65 ओम है। जब उष्मक हीटर को 220 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा जाता है तो धारा कुछ सेकंड पश्चात 2.8 एम्पीयर पर स्थापित हो जाती है। तार का स्थिर ताप क्या होगा? देखिए हमें प्रारंभिक जो रेजिस्टेंस है वो दे रखा है 65 ओम, ठीक है, और जब इसको हमने सप्लाई से जोड़ दिया तब जो रेजिस्टेंस है वो हमें ज्ञात करना है, तो V बट्टे में I। तो V की जो वैल्यू है वो है 220 और I की जो वैल्यू है वो है 2.8, और जब आप 220 के अंदर 2.8 का यहाँ पर भाग लगाएंगे तो हमें इस की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, तो 78.6 ओम आएगा, 78.6 ओम। अल्फा हमें दे रखा है तो वो स्थिर ताप हमें यहाँ पर पूछा है। क्या पूछा है? कि कुछ सेकंड पश्चात कमरे के ताप से स्थिर ताप पूछा है, तो हम ताप में वृद्धि लेकर चलेंगे, ताप में वृद्धि पहले फाइंड आउट कर लेते हैं।
तो आर माइनस आर जीरो बट्टे में आर जीरो अल्फा, तो 78.6 माइनस 65 बट्टे में 65 इंटू अल्फा की वैल्यू 1.7 इंटू 10^-4, 65 में ये 13.6 गुणा 10^+ में 4 हो जाएगा, ऊपर जाएगी तो 65 गुणा 1.7, तो 1.7 का जो भाग है वो इसमें चला जाएगा 8 बार में। ओके, तो यहाँ से डेल्टा टी, तो 80/65 इंटू 10^3, 80/65, तो इसको हम लिख सकते हैं 16/13, तो 13 का भाग 1 बार में, 30 2 बार में, 40 3 बार में, गुणा 10^3, तो यहाँ से 1230 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ताप में वृद्धि। अब अपन को ताप में वृद्धि आ गई है, तो T2-T1, तो ये तो आ गया हमारे पास में T, तो कितना आ जाएगा, 1230 बराबर T2 माइनस 27 डिग्री हम लेकर चले, तो इसमें 1230 में 27 और जोड़ दीजिए तो वो T2 का माना जाएगा, तो 1258 ये वाला आंसर आएगा। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक तार का 28 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 2.5 ओम, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2.9 ओम, तो तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता ताप गुणांक होगा। अब की बार हमें प्रतिरोध ताप गुणांक है एक्चुअल में ये, इसको प्रतिरोधकता ताप गुणांक भी कह देते हैं। तो यहाँ से अल्फा बराबर आर माइनस आर जीरो बट्टे में आर जीरो डेल्टा टी, इसको हम पुट कर देंगे। आर का मान अंतिम जो रेजिस्टेंस है वो 2.9, 2.9, 2.5 अपॉन 2.5, और ताप में वृद्धि यहाँ पर हो गई है 72 डिग्री की। ओके, तो यहाँ से 0.4 रह गया, 2.5 इंटू 72, यहाँ से आप कैलकुलेट पॉइंट हटा दिया मैंने यहाँ से, तो इसमें भाग लगाएंगे तो ये हमारे पास में आ गया 18। ओके, तो इसको आप 1/25 को 18 से गुणा करेंगे, 8 से गुणा करेंगे तो 200 आ गया, 20 हासिल की होगी, 25 और 20 हो गया हमारे पास में 200, 20 हासिल की, 25 और 20 45, तो 1/450 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको क्या कर देंगे, 1000/450 गुणा 10^-3 कर दें, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया 2 पॉइंट। इसको भी आप ऐसे कर लो, 20/9, ठीक है, 20 के अंदर 9 का भाग लगाएंगे तो 18 दो बार में, फिर 2, यही चलता रहेगा, गुणा 10^-3 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक हीटर कुंडली 100 वाट और 200 वोल्ट मान की है, इसे दो समरूप भागों में काट दिया जाता है, दोनों भागों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, समान स्रोत 200 वोल्ट से नए संयोजन में प्रति सेकंड निष्कासित ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए, हीटर की जो कुंडली है उसका रेजिस्टेंस हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, आर बराबर वी स्क्वेयर अपॉन पी, तो यहाँ से 200 गुणा 200 बट्टे में 100, तो यहाँ से ये हमारे पास में क्या आ गया है, 400 ओम। ओके, अब इसको हम दो भागों में पार्श्व, आधे भाग का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आधे भाग का प्रतिरोध
आधे भाग का जो रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा 200 ओम, क्योंकि बराबर दो टुकड़ों में तोड़ रहे हैं। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, दोनों ही टुकड़ों को आप कौन से संयोजन में जोड़ रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ रहे हैं, तो आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। तो यहां से आप 200 गुणा 200 बट्टे में 200 प्लस 200, तो ये हमारे पास में यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो 100 ओम आ जाएगा। कितना आ गया, 100 ओम। ओके, अब हमारे को मुक्त की गई ऊर्जा पूछी है प्रति सेकंड। प्रति सेकंड मुक्त की गई ऊर्जा, ऊर्जा का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास में है, वोल्टेज पर पूछा है, वी स्क्वायर अपॉन आर, आर डेस आ जाएगा, यहाँ पर टी प्रति सेकंड के लिए इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो 200 गुणा 200, टी का मान 1, आर डेस की वैल्यू 100, दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 400 जूल आ जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चित्र में दर्शाए परिपथ में 2 ओम, 4 ओम और 3 ओम में से निष्कासित ऊष्मा किस अनुपात में है। देखिए यहाँ पर ये जो 2 ओम और 4 ओम है ये दोनों समांतर क्रम में है, और उन दोनों के ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो है श्रेणी क्रम में। ओके, तो यहाँ पर 2 ओम में से बहने वाली जो धारा है वो क्या हो जाएगी, 2 ओम में से बहने वाली, यहाँ से बहने वाली जो धारा है इसको I1 से कह दूं मैं, तो यह आ जाएगा 2 रेजिस्टेंस अपॉन 3। यह आ जाएगा, कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो धारा है ये दो टुकड़ों में टूट गई, इसका दो टुकड़ों में इसका अनुपात, रेजिस्टेंस का अनुपात इसका तो है 1 और इसका 2, तो धाराओं का अनुपात इसका अपोजिट होगा, इसमें 2 अनुपात की धारा बहेगी, इसमें 1 अनुपात की, तो 2/3 हो जाएगा, 2/3। और यहां से बहने वाली जो धारा है वो देखिए क्या होगी, I2 बराबर I बट्टे में 3 हो जाएगी, ठीक है, और यहां से I बही रही है। तो अब देखिए यहां से प्रति सेकंड प्रवाहित उत्सर्जित ऊष्मा, तो पहले रेजिस्टेंस इसको मैं R1 कह दूं, तो H1 बराबर I² × R, I1 का स्क्वायर इंटू R, तो I1 की वैल्यू तो होगी 2I/3 का स्क्वायर इंटू में 2, ये आ गया। H2 बराबर क्या आएगा, I/3 का स्क्वायर इंटू 4। ओके, और यहां से H3, तो ये आ जाएगा I² × 3। अब इनका रेशियो निकालो, H1 अनुपात H2 अनुपात H3, तो देखिए यहां से I² सब में से तो कैंसिल हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ इसका स्क्वायर भी लिख देता हूँ, 4 × 8/3 अनुपात, यहाँ पर आ गया 4/3 अनुपात 3। ओके, अब यदि इसको हम 3 से और गुणा कर दें, पूरी इक्वेशन को 3 से गुणा कर दें, तो ये आ जाएगा 8 4 9 8 4 9। क्या हमने कहीं मिस्टेक की है, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुई है। चलिए 9, ये जो इसका स्क्वायर है ना, यहाँ पर 9 आएगा, सॉरी, तो इसको 9 से गुणा करेंगे, 9 से गुणा करेंगे ना, तो यहाँ ये 27 आएगा। ओके, तो 8 4 27, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन में देखिए कि यदि किसी बल्ब में से इसके आंकलित मान, जो रेटेड मान है, मैं 25% की गिरावट के द्वारा वोल्टता को 220 वोल्ट और 100
वाट पर आंकलित किया जाता है, तो आंकलित मान की शक्ति में प्रतिशत कमी क्या होगी? देखिए, एक तो होती है रेटेड वैल्यू, एक अप्लाइड वैल्यू आरोपित और एक रेटेड। तो हमारे पास में जो बल्ब है उसका जो रेजिस्टेंस, मतलब उसकी जो शक्ति है, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? पी बराबर वी स्क्वेयर अपॉन आर। बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो नियत मानते हुए हम यदि शक्ति में परिवर्तन देखें तो डेल्टा पी अपॉन में पी बराबर, तो ये आ जाएगा 2 डेल्टा वी अपॉन में वी, ये आएगा। ओके, शक्ति में प्रतिशत कमी क्या हो जाएगी? शक्ति में ये वाला फॉर्मूला क्यों है, आर के अकॉर्डिंग क्यों नहीं है? क्योंकि आर को हम क्या लेकर चल रहे हैं यहाँ पर? कांस्टेंट, क्योंकि वो चेंज नहीं होगा। शक्ति में प्रतिशत कमी क्या रह जाएगी? डेल्टा पी अपॉन में पी इंटू में 100, और डेल्टा पी अपॉन में पी क्या है? 2 डेल्टा वी अपॉन में वी इंटू 100। तो 2 डेल्टा वी अपॉन में वी, इसकी जो वैल्यू है वो हमें कितनी दे रखी है? इसकी जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है, ये वैसे एक्चुअल में बता दूं 2.5 है, और 2.5 करेंगे तो यहाँ पर 5% आ जाएगा, और 25 है तो 50% आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 50% ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन सी ही यहाँ पर सही होगा, और क्योंकि यहाँ पर 2.5 है। ओके, ये जो डेल्टा वी अपॉन में वी है ना, ये है वोल्टेज में, वैल्यू में, आंकलित मान में के द्वारा वोल्टता को आंकलित किया जाता है, इसके आंकलित मान में इतना परिवर्तन आया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2 ओम के प्रतिरोध परिपथ अक्ष में समांतर क्रम में तथा परिपथ वाई में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, दोनों परिपथों में बैटरियां समरूप है तथा इनके आंतरिक प्रतिरोध शून्य है, यह मानते हुए कि एक निश्चित समय में परिपथ अक्ष में प्रतिरोधक ए से स्थानांतरित ऊर्जा W, समान समय में वाई में प्रतिरोधक बी में स्थानांतरित ऊर्जा क्या होगी? देखिए, हमें जो क्वेश्चन है उसमें देखिए 2 ओम के दो रेजिस्टेंस है, इस अक्ष वाला जो सर्किट है इसमें ये समांतर क्रम में, और वाई वाले सर्किट में इस श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। यदि जो अक्ष में जो प्रतिरोधक ए से स्थानांतरित जो ऊर्जा है वो W है, ऐसे स्थानांतरित ऊर्जा कितनी है? W, तो B से स्थानांतरित ऊर्जा हमें यहां पर पूछी है। चलिए देखिए, जो परिपथ अक्ष है इसमें दोनों ही जो रेजिस्टेंस हैं वो सेम है और दोनों ही समांतर क्रम में है, तो जो शक्ति है वो हमारे पास में क्या हो जाएगी? शक्ति है स्थानांतरित, प्रति सेकंड स्थानांतरित ऊर्जा, समान समय में हम 1 सेकंड में ले लेते हैं, तो ये होती है वी स्क्वेयर बट्टे में आर, तो वी स्क्वेयर बट्टे में 2 जो कि W है, ये तो है अक्ष में। ठीक है, ए में इन दोनों रेजिस्टेंस में, इसमें कह दो इसमें कह दो, सेम ऊर्जा स्थानांतरित होने वाली है जो कि W है। ओके, अब वाई में, वाई में दोनों ही कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है, दोनों के ही रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में मौजूद है, तो दोनों ही श्रेणी क्रम में मौजूद है, तो इसका वोल्टेज दो वी बी और इसका वी बी डैश, और इन दोनों का मिलाकर वी के बराबर है, वी बी और वी बी डैश बराबर वी, तो दोनों पर सेम है, तो वी बी का मान कितना आ जाएगा? वी बट्टे में 2, वी बट्टे में 2। अब इसको स्थानांतरित जो ऊर्जा है वो कितनी होगी वो देखिए एक बार, स्थानांतरित ऊर्जा शक्ति तो वी स्क्वेयर अपॉन में आर होता है, तो वी बाई टू, चलिए यहां पर इसको मैं वी बाई टू पुट करता हूँ, वी बाई टू का स्क्वेयर बट्टे में आर, तो आर यहां पर फिर से 2, तो ये हमारे पास में जो शक्ति है वो वी स्क्वेयर बट्टे में 8 आएगी, जो कि वी स्क्वेयर बट्टे में 8 आएगी, जबकि वी स्क्वेयर बट्टे में जो 2 होती है वो W के बराबर होती है, तो
तो डब्ल्यू बट्टे में चार आ जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने विद्युत धारा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखे समझे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, जिसमें हम विद्युत धारा से संबंधित ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।